नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम भारत एट सेवन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न राज्यों की खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हेडलाइंस। दो दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय समुदाय ने किया पीएम का जोरदार स्वागत। पीएम ने बंदर सेरी बेगावन में किया नए चांसलरी भवन का उद्घाटन। मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन का भी किया दौरा। सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर होगी चर्चा। दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा वाला विधेयक बंगाल विधानसभा से पारित। भाजपा ने किया विधेयक का समर्थन। कोलकाता कांड के खिलाफ डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में गहराया वेतन और पेंशन का संकट। अब तक 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में नहीं आई तनख्वाह। विपक्ष इस मुद्दे पर आज विधानसभा में लाएगा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। भाजपा के सदस्यता अभियान का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी में अपनी प्राथमिक सदस्यता को कराया नवीनीकृत। सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। सभी कार्यकर्ताओं से भी सदस्यता को रिन्यू कराने का किया आग्रह। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में 11 सितंबर तक बढ़ी अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत। अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे केजरीवाल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में राहत बचाव कार्य जारी। महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। और छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। मारे गए 9 नक्सली, 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा पर हुई मुठभेड़। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा ने महिला सुरक्षा से जुड़े अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक। इस विधेयक का समर्थन बीजेपी ने भी किया। इस विधेयक में बलात्कार से जुड़े अपराध में शामिल अपराधियों को तेजी से और कड़ी सजा देने का प्रावधान है। बलात्कार की घटनाओं में पीड़िता की मृत्यु हो जाने जैसे मामलों में 10 दिन के अंदर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही यौन अपराधों के लिए मुकदमे की सुनवाई एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने का भी प्रावधान है। विधेयक के अनुसार किसी भी बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड की ही सजा होगी। विधेयक में प्रावधान है कि अगर घटना के बाद पीड़िता जीवित रहती है तो आजीवन कारावास, और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपाहिज हो जाती है तो दोषी को मृत्युदंड दिया जाएगा। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार इस वक्त कटघरे में है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार बुरी तरह घिर गई है। माना जा रहा है कि भारी जनाक्रोश के दबाव में राज्य सरकार ने यह विधेयक लाने का निर्णय किया। तो बलात्कार के अपराधी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। घटना के बाद पीड़िता जीवित रहती है तो उसे आजीवन कारावास मिलेगा। पीड़िता की मृत्यु हो जाने या अपाहिज हो जाने पर मृत्युदंड दिया जाएगा। अपराजिता विधेयक पास हो गया है पश्चिम बंगाल में।
और अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं सशस्त्र सैन्य समारोह की। सशस्त्र बल केवल एक रक्षा ढांचा मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव भी हैं। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। इस समारोह में तीनों सेनाओं से जुड़े हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास है इस विशेष समारोह में। सशस्त्र सैन्य बल की दुर्लभ ताकत का नजारा आज राजधानी लखनऊ के कमांड सेंटर में दिखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सशस्त्र सैन्य बल के 3 दिवसीय समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवान देश का मनोबल हैं, राष्ट्र नायक हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कैंट स्थित सूर्या खेल परिसर में आज से सशस्त्र सैन्य समारोह की शुरुआत हुई। ये समारोह 5 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई गई है। सशस्त्र सैन्य समारोह के उद्घाटन के दौरान सीएम ने भारतीय सेना को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यूपी में 2 डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी और प्रदेश सरकार रक्षा क्षेत्र की इन 2 महत्वपूर्ण योजनाओं को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। फरवरी 2018 में लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। उसमें से एक उत्तर प्रदेश में 6 नोड पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने इन 6 के 6 नोड पर रक्षा मंत्रालय के साथ बेहतरीन तालमेल स्थापित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाया है। इस 3 दिवसीय समारोह में 8,000 से अधिक दर्शकों के आने की उम्मीद है। समारोह में लगाई गई प्रदर्शनी में आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में विकसित टैंक, हेलीकॉप्टर, तोपखाने की बंदूकें आदि जैसे नवीनतम सैन्य उपकरणों का शानदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में लाइव डिस्प्ले के जरिए अत्याधुनिक उपकरणों की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। विशेष बलों द्वारा पैरा ड्रॉप और कम्बैट प्रदर्शन, हेलीकॉप्टरों द्वारा सैनिकों को निकालना, हॉर्स एंड डॉग शो और ऐसे कई अन्य मनोरम लाइव प्रदर्शन इस समारोह का मुख्य आकर्षण है। इस 3 दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह में आने वाले युवाओं को सेना में करियर के अवसरों के बारे में भी जानने को मिलेगा। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में DRDO ब्रह्मोस और झांसी नोड में भारत डायनोमिक्स लिमिटेड की ओर से 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्थापित करने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत उत्तर प्रदेश में भी कई रक्षा इकाइयां लगाई जा रही हैं। आने वाले समय में तकनीक हो या सैन्य शक्ति, इसके बढ़ावा देने के लिए जो काम किए जा रहे हैं उनका प्रयास सार्थक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस बात को भी कहा कि भारतीय सेना देश के लिए राष्ट्र गौरव है। भारतीय सेना हर परिस्थिति, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना काम करती है और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देती है। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD News लखनऊ। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार
जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। God! सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने ना टूट जाए, आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं झारखंड की ओर। किस तरह से वहां पर डर के साए में पढ़ाई चल रही है ये हम आपको बताएंगे। क्या कुछ वहां के शिक्षा व्यवस्था के हाल हैं? झारखंड में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को बयां कर रहे हैं वहां के जर्जर हो चुके स्कूली भवन। स्कूली भवनों की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात का डर पूरे समय बना रहता है कि कहीं स्कूल की छत उनके सिर पर ही ना गिर जाए। बदहाल स्कूली भवनों में पढ़ाई के लिए मजबूर हैं छात्र, जान हथेली पर लेकर कर रहे हैं पढ़ाई। राज्य की बदहाल स्कूली शिक्षा तंत्र की पोल खोलते स्कूल। बारिश में स्कूलों में हो जाता है जल जमाव। देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा मिलना लाजमी शर्त है, लेकिन झारखंड में यह पूरा होता नहीं दिख रहा। रांची के नजदीक खूंटी में जर्जर स्कूल भवन के नीचे नौनिहाल डर के साए में ककहरा सीखने को मजबूर है, जो कहीं ना कहीं तंत्र की उदासीनता का एक नमूना है। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर खूंटी के फूदी स्थित यह राजकीयकृत मध्य विद्यालय है, जहां के विद्यार्थी डर के साए में पठन पाठन करने को मजबूर है। इस शिक्षा मंदिर की स्थिति इतनी खराब है कि भवन की छत टूट कर नीचे फर्श पर गिर रही है। बावजूद इसके छोटे छोटे बच्चे इसी छत के नीचे डर के बीच बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को विवश है। हम लोग बैठे रहते तो हम लोग का बेंच का आगे टूटता है, तो इसलिए हम लोग 7th क्लास चले जाते हैं। झारखंड में बेहतर स्कूली शिक्षा और सुविधा को लेकर दावों के इतर खूंटी के फूंदी का यह स्कूल तंत्र की पोल खोल रहा है। जर्जर स्कूल भवन सुरक्षित बचपन और बच्चों के स्वर्णिम भविष्य पर काले साए की तरह छाया है। बारिश में तो विद्यार्थियों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। इस दौरान उन्हें खुद को बचाने और अपने कॉपी किताब और बैग को भी पानी से बचाने की चुनौती रहती है। स्कूली बच्चों के साथ ही यहाँ के शिक्षक भी डरे सहमे नजर आते हैं। कब कौन सी दुर्घटना हो जाए इसका डर हमेशा बना रहता है। विद्यालय भवन का प्रस्ताव देने के बावजूद अब तक स्वीकृति लंबित है। विद्यालय के कमरे में बारिश में जलजमाव होना तो जैसे उनके लिए अब रूटीन सा बन गया है। ये जब बरसात हुआ उसके बाद अचानक एक दिन एक जगह से छट गया, तो क्लास में बच्चे नहीं थे, उसमें छुट्टी का दिन था। जब हम लोग स्कूल आए तो ये भरा हुआ देखे, उसके बाद सारा एप्लीकेशन दिए हैं और डर से हम लोग पहले स्कूल आते हैं और पहले झंडा से देख लेते हैं कि कहीं गिरने वाला। शिक्षकों की मजबूरी का आलम यह है कि वो एक ही क्लास में 2-3 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ रखने को विवश है, ताकि कोई अनहोनी ना हो जाए। दीमक लगे तंत्र का उदाहरण देते हुए एक शिक्षक ने बताया कि विद्यालय परिसर की 4 दीवारी भी नहीं है, साथ ही विद्यालय में कई वर्षों से डेस्क बेंच की खरीदारी भी नहीं की गई है। जितना दिख रहा है सर, ये सब चूने लगता है, सब बच्चे मतलब लोग फिसलते हैं, गिरते हैं बच्चे, इसलिए हम लोग सबको क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं, सब कंबाइंड क्लास लेते हैं। जिले के पदाधिकारी भी स्कूल के इस हालात से अवगत है। खूंटी के जिला शिक्षक अधीक्षक ने कहा कि इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। तो मैंने इस संदर्भ में अपने संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी और संबंधित जूनियर इंजीनियर कनियन अभियंता से मैंने रिपोर्ट मांगा है, और मैंने ये भी रिपोर्ट मांगा है कि
यदि वहां पर आवश्यकता है तो तत्काल एसएमसी से पारित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। विद्यालय के जर्जर भवन के पीछे चाहे जो कारण हो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को तत्काल इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि अनहोनी से बचा जा सके। डर के साए में शिक्षण कार्य सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जर्जर विद्यालय भवन के बूते स्वर्णिम भविष्य के लिए देश की मजबूत नींव को तैयार करने की जिम्मेदारी है, जो शायद ऐसे तो संभव नजर नहीं आता। डीडी न्यूज के लिए खूंटी से ज्योत्सना और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हिमाचल की ओर। किस तरह से वहां पर कर्मचारियों को सैलरी का संकट हो गया है, आर्थिक संकट से हिमाचल की सरकार घिरी हुई है, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों की पेंशन को 5 तारीख तक रोक दिया गया है, जिसे लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आर्थिक बदहाली से जूझती हिमाचल सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के 10,000 करोड़ रुपए बकाया, पुरानी पेंशन योजना की बहाली से बढ़ा वित्तीय बोझ, हिमाचल सरकार पर है 85,000 से 90,000 करोड़ रुपए का कर्ज, राज्य के कर्मचारी और पेंशनर वर्ग सरकार से नाराज। हिमाचल प्रदेश में छाए आर्थिक संकट को लेकर विरोधियों की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन में हो रही देरी के चलते विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है और इसके लिए सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। सितंबर के महीने की 3 तारीख है और इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब महीने के 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जो स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ जो पेंशन भोगी हैं उनकी पेंशन भी इस बार डिले कर दी गई है और इसके पीछे जो स्टेट का फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि सरकार किसी भी तरह का क्राइसिस एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही है, कड़े फैसले लिए जाने का दावा कर रही है, जल्दी ही आर्थिक स्थिति के सुधरने का दावा कर रही है, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रदेश पर जो कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन भत्ते महीने की 1 तारीख को नहीं मिल पाए हैं। करीब 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 1.25 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों की पेंशन में भी इस बार देरी हो रही है। सरकार कर्ज लेकर वेतन देने की प्रथा खत्म करने के लिए वेतन में देरी होने का हवाला दे रही है। सरकार का तर्क है कि उसकी कोशिश है कि वेतन देने के लिए लिए जाने वाले कर्ज और उस पर लगने वाले ब्याज को रोककर प्रदेश सरकार खर्च कम कर रही है। अपने दृष्टिकोण से स्टेज चरणबद्ध तरीके से बिजली के बिल में 1 रुपया लाकर उसको कम करेंगे। पानी में मिनिमम हमने 100 रुपया पानी के बिल का कर दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए नहीं जिनकी परिवारों की 50,000 रुपये से इनकम कम है, उनसे 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। बसेज में जो हमारा थोड़ा बहुत रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं उसमें बढ़ रहे हैं। और तीसरा, हम अपनी अर्थव्यवस्था में शराब के ठेकों की नीलामी से जो हमें रेवेन्यू आ रहा है, इस साल 150 करोड़ का अधिक राजस्व आ रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ड्रेन होती रही है। सब चीज़ों को बढ़ाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा ये मानना है कि सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के सहयोग से हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। उधर कर्मचारियों ने इसे लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। कर्मचारी नेताओं का मानना है कि सरकार के फैसले से कर्मचारी परेशान हैं, क्योंकि कर्मचारियों के अपने खर्चे जो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच होते हैं उन्हें पूरा करने में कर्मचारी असमर्थ हैं और उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। जयराम ठाकुर पहले ही कह चुके हैं कि सरकार अपने गलत फैसलों की वजह से प्रदेश को कर्ज में डुबो रही है और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो मौजूदा हालात बन रहे हैं उसके लिए पूरी तरह प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। आज कर्मचारियों को पेंशन की बातें तो दूर की रही, फिलहाल स्थिति ये बन गई सैलरी भी समय पर नहीं मिल पा रही है। डीए की किस्त की बात तो दूर की रही, सैलरी भी नहीं मिल पा रही है। मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक परिस्थिति जो हिमाचल प्रदेश में जो बनी है, और मुझे लगता कि एक बहुत बड़ा उदाहरण जो फ्री वीज का जो खटाखट राहुल गांधी का जो फॉर्मूला है, जो गारंटियों को लेकर के, इससे बाकी पूरे देश भर में भी सबकी आंखें खुल गई है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए विधायक सुधीर शर्मा भी सरकार को घेरते आज नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी वादों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है और अब इसका ठीकरा भाजपा पर या पूर्व सरकार पर फोड़ने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई है। तो उनकी EMI जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक
अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है, लेकिन इसका मौजूदा खामियाजा प्रदेश के कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है और 1.25 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष यहाँ पर जो प्रदेश सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसको घेरता नजर आ रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके लिए बीजेपी को और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि इन दोनों की आपसी खींचतान की वजह से जो नुकसान है, जो डैमेज है, वो स्टेट की जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको भुगतना पड़ रहा है और इसकी वजह से जो नाराज़गी है कर्मचारियों में वो भी लगातार देखने को मिल रही है। शिमला से DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ धर्म प्रकाश। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसी क्या गलतियां की हैं जो वो इस स्थिति में आ गई है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे भयंकर वित्तीय संकट से हिमाचल क्यों जूझ रहा है। भयंकर वित्तीय संकट है हिमाचल के ऊपर, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है हिमाचल और हालत यह है कि अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रहा है। राज्य पर 86,000 करोड़ से अधिक का ऋण है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कर्ज की रकम में आने वाले दिनों में और वृद्धि की संभावना है, काफ़ी मुश्किल होने वाली है आने वाले दिनों में। हर माह कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर ही लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च होता है और पेंशन पर हर माह लगभग 800 करोड़ का व्यय होता है और हिमाचल की सरकार इसकी भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है ठीक से। मुफ्त योजनाओं से राज्य पर लगभग 18,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुनावी जीत के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हर महिला को 1500 रुपये ये वो प्रति माह देने और 800 करोड़ रुपए का टोटल इस पर खर्च है। OPS लागू वहाँ पर किया गया था, इस पर भी वहाँ पर खर्च हो रहा है। बिजली सब्सिडी पर 18,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च है। तो ये सब वो तथ्य हैं जो सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने के लिए सालाना करीब 42,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत हिमाचल प्रदेश को पड़ती है और मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में भी 1800 करोड़ की कटौती की गई है। दिसंबर 2022 से जुलाई 2024 तक सरकार ने 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और 6,000 करोड़ तक का कर्ज सरकार ले सकती है दिसंबर 2024 तक, जिसमें 3,900 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। RBI के मुताबिक हिमाचल पर पिछले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपये का कर्ज बढ़ा है। हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति पर औसतन 1,17,000 रुपये का कर्ज है, तो मुश्किल हालात हैं हिमाचल के लिए। अपने कर्मचारियों का वेतन भी हिमाचल प्रदेश नहीं दे पा रहा है, काफ़ी मुश्किल हालात वहां पर हैं। अगली खबर की ओर हम चलेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल, आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार, पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मध्य प्रदेश को लगभग 18,036 करोड़ रुपए की लागत वाली नई रेलवे लाइन परियोजना की सौगात दी है। इंदौर और मनमाड के बीच प्रस्तावित यह नई रेल लाइन सीधा संपर्क प्रदान करेगी। नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांव और लगभग 30 लाख आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने जिस इंदौर मनमाड़ रेल लाइन को स्वीकृति दी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सीधे जुड़ेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का बड़वानी जैसा आकांक्षी जिला मजबूत होगा, तो वहीं 3 अन्य जनजातीय बहुल क्षेत्र के लोगों को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को 18,036 करोड़ रुपए की जिस मध्य प्रदेश की 309 किलोमीटर की रेल लाइन को मंजूरी दी है, उससे राज्य के आर्थिक क्षेत्र को रफ्तार मिलेगी। प्रस्तावित रेल लाइन इंदौर से मनमाड़ को सीधा जोड़ेगी। इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश का निमाड़ मालवा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से जुड़ जाएगा। परियोजना महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिसमें मध्य प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, धार और इंदौर शामिल हैं। बड़वानी जिला एक आकांक्षी जिला है। इस इलाके के जनजाति वर्ग को इस परियोजना से खास तौर पर लाभ मिलेगा। इस रेल परियोजना से देश के 4 ज्योतिर्लिंग भी सीधे जुड़ेंगे। रेल की सुविधा जब तक 4 साल में ये डेवलप होगी, तब तक समान रूप से राज्य सरकार भी विकास का रोडमैप बना करके समान रूप से पूरे क्षेत्र में विकास के लिए आज से ही संकल्प कर रही है कि हम अपनी रेल लाइन के बनते बनते तमाम प्रकार के विकास के जो पैमाने हैं, जिसके आधार पर वो पूरे क्षेत्र में विकास का नया ये अवसर अच्छे से संपन्न होगा, इस पे बात करेंगे। इसलिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात हम सोच रहे हैं, आर्थिक प्रगति का एक पूरा रास्ता बनेगा, इसीलिए बड़वानी, खरगोन, खंडवा, धार इस 300। तो भारत @7 में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।